केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री पल्लम राजू ने अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में की मंत्रिमंडल से इस्तीफे की पेशकश। कांग्रेस ने उनसे पद पर बने रहने को कहा। अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर असम में चल रहे प्रदर्शन के चलते लुमडिंग से दीमापुर के बीच रेल ट्रैक पर देखते ही गोली मारने के आदेश जारी। करवी ओंगलैंग में ड्रोन कामोकम में पुलिस गोलीबारी में 4 प्रदर्शनकारी हुए घायल। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिजली की किल्लत दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर क्षमता वृद्धि पर दिया जोर। तमिलनाडु के तिरुमलाई में कई करोड़ लागत के भेल ऊर्जा संयंत्र की पाइपिंग यूनिट को किया राष्ट्र को समर्पित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को फसल ऋणों पर 3% की ब्याज सहायता राशि जारी रखने का किया फैसला। 12 लघु वन उत्पादों के विपणन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने की केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना को भी दी मंजूरी। और बीसीसीआई ने दिल्ली में होने वाली कार्य समिति की बैठक को किया रद्द। जगमोहन डालमिया फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का 5वां और आखिरी वनडे मुकाबला आज बुलावाओ में खेला जाएगा। भारत के पास सीरीज में क्लीन स्वीप करने का है सुनहरा मौका।